सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स गेम। सो गाइस, आज की स्टूडियो में हम आप लोगों को यार टूर्नामेंट का ज्ञान देंगे, मतलब टूर्नामेंट्स के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं फ्री फायर में या किसी भी स्पोर्ट्स में, या कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, कैसे स्क्वाड बनाएं, कैसे प्रैक्टिस की जाए, कैसे अच्छी स्क्वाड बनाई जाए और उनको टूर्नामेंट्स को विन किया जाए, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलने की क्या एज होती, मिनिमम क्या एज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। एमुलेटर प्लेयर्स अलाउड होते हैं, वैसे तो नहीं होते मोस्टली, और आईपैड प्लेयर खेल सकते हैं या टैबलेट से खेल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना। वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो अगर आपने उसमें उसको नहीं देखा है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको पहले देख लो, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें मैं यार मैंने बताया था कि टीयर इन्फॉर्मेशन बताई थी कि तीन टीयर होते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो यार उसको जाके पहले देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लो, वो वीडियो भी काफ़ी सही है, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं गाइस। यार पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बता दिया कि लिंक है, आप उसको देख सकते हो। बट अब इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, इसमें बताते हैं कि आप लोगों को टूर्नामेंट्स के टाइप कितने होते हैं। यार जितने भी ई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, यार जितने भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, उसमें बेसिकली टू टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं। एक होते हैं लैन इवेंट, एक होता है ऑनलाइन इवेंट। ऑनलाइन इवेंट का एग्जाम्पल आप ले लो, मैं आपको बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जो अभी आपका ये जो FFIC हुआ था, इसकी एक था ऑनलाइन इवेंट, जहाँ आपको फिजिकली मतलब प्रेजेंट नहीं होना होता था किसी जगह पे, एरिया पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना था, मतलब आप अपने घर से ही खेल सकते थे। इसमें फ़ोन्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब आईपैड पर रिस्ट्रिक्शन होती है और एमुलेटर्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपके फ़ोन पर नहीं होती। फ़ोन पर आप एंड्रॉयड पर भी खेल सकते हो और आईफोन पर भी खेल सकते हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो फ़ोन नहीं देखते, बस आपका फ़ोन का ये होता है कि आईपैड और उससे नहीं खेल सकते आप एमुलेटर से। तो ये हो गया आपका ये ऑनलाइन इवेंट, एक बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता, आपने घर से खेल सकते हो, बिल्कुल आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब दूसरे जो आता है भाई अपना, एक लैंड इवेंट। लैंड इवेंट होता क्या सिस्टम की, जैसे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, क्वालिफायर्स वगैरह होते हैं, उसके बाद होता क्या है कि जो आपका ITL इंडिया टुडे लीग जो हुई थी, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जहाँ पर फिजिकली आपको प्रेजेंट होना होता है। जैसे एरिया बुलाते हैं, जैसे किसी अच्छी सिटी में बुलाते हैं आपको, वहाँ पर सारे प्लेयर एक साथ बैठते हैं, सारी जितनी भी टीमें होती हैं सामने ही होती हैं एक दूसरे के, और बैठ के वहाँ पर खेलते हैं, तो वहाँ पे उनकी खुद की डिवाइसेस होती है, आपको अपनी डिवाइसेस नहीं ले सकते, उनकी वो खुद डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, काफ़ी मतलब सख्त रूल होते हैं वहाँ पे, तो वो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, काफ़ी चीज़ें लगा के फुल रूल लगा के खेलना पड़ता है आप लोगों को, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनकी डिवाइसेस होती है, उतना हाथ वगैरह सेट नहीं होता। तो ये होता है एक लैंड इवेंट। लैंड इवेंट के रूल्स काफ़ी अलग होते हैं, उसके लिए भी अगर मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि रूल्स वगैरह क्या होते हैं, रूल्स को लेकर ले मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी खींचती चली जाएगी। उसके बाद आती गाइस कहानी की, ई स्पोर्ट्स टीम कैसे बनाए। अब ई स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए गाइस यार बहुत सी एक चीज़ें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ई स्पोर्ट्स टीम इतनी जल्दी नहीं बन जाती, आपको मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा एक ई स्पोर्ट्स टीम को बनाने के लिए। क्योंकि गाइस अगर आप लोग देखते होगे, अगर एक प्लेयर का गेम प्ले समझने में भाई कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, कि उसका प्ले स्टाइल कैसा है, वो कैसे खेलता है, उसको प्ले स्टाइल को अडेप्ट करना है अपनी स्क्वाड में, क्या वो फिट बैठ रहा है, उसका गेम प्ले चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब उसको अपनी स्क्वाड के हिसाब से ढालने में कम से कम 6 महीने का समय, पूरी स्क्वाड को ऐसे बनने में टाइम लगता है। और एक ई स्पोर्ट्स स्क्वाड में, एक ई स्पोर्ट्स स्क्वाड में मिनिमम से मिनिमम 5 प्लेयर तो होते हैं, 4 प्लेयर जो रेगुलर प्लेइंग होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है। और प्लेयर्स के रोल के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक है, उसको भी देख लेना जाके, इसके बाद उस वीडियो को देख लेना, तो आपको पता चलेगा ई स्पोर्ट्स टीम में, एक ई स्पोर्ट्स टीम में कितने प्लेयर्स के क्या क्या रोल होते हैं, कैसे कैसे रोल होते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस वीडियो का, आप देख लेना उसको भी। तो भाई ये चीज़ हो गई कि ये रोल्स की बता दी मैंने, रोल्स के लिए वीडियो अलग सेपरेट बना हुआ है। और ये हो गया कि भाई एक ई स्पोर्ट्स टीम को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है भाई, कम से कम आपको 10 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब आपको एक अच्छी ई स्पोर्ट्स टीम की। और मैप्स की नॉलेज यार, जितनी ज़्यादा आपको मैप्स की नॉलेज, आपको गन का मेटा, मतलब कौन सी गन कैसे वर्क करी, कितना अच्छे से उसको यूज़ करते हो, अपने प्लेयर्स को प्लेयर को जितना जानना, जितनी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी एक अच्छी टीम बन के निकलती है। अब करंट एग्जांपल ले लो वासियोस यार, जो उसको काफ़ी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, और इसी तरह आपकी टीम में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी पुराना हो और जिसको पूरे गेम की बहुत अच्छी समझ हो, मतलब पूरे मैप्स की नॉलेज हो, सारी पूरे गेम की समझ हो, क्या कैसे जोन रोटेशन होगी, कब एग्रेसिव होना है, कब कंट्रोल एग्रेशन रखना, मतलब कब फाइट नहीं लेनी, इन सब चीज़ों के बारे में भी यार
आपके प्लेयर को पता हो, वो आपका IGL बनता है। इन सब के बारे में डीप में नहीं जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बात आती है कि यार बंदे कहाँ से ढूंढने जाएं। बंदे भाई ढूंढने के लिए तो यार डिस्कॉर्ड जैसे मेरा हो गया, किसी भी बड़े चैनल यूट्यूबर का चले जाओ, अच्छे अच्छे जैसे स्काई लॉर्ड हो गया, बहुत से यूट्यूबरों का डिस्कॉर्ड है, टोटल गेमिंग, वहाँ पे आप प्लेयर ढूंढो, केवल मोबाइल प्लेयर, एमुलेटर प्लेयर्स नहीं ढूंढने, आईपैड प्लेयर्स नहीं ढूंढने, मोबाइल प्लेयर्स को ढूंढो, वहाँ से जो इंटरेस्टेड हो आप उस पर एट द डेट एवरीवन टैग करके वो लोग अलग बना देते हो। वैसे मैंने तो बना रखा है कि आप टीम ढूंढ सकते हो मेरे डिस्कॉर्ड पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर चाहिए आप उनसे बात कर सकते हो, ऐसी जगह पर आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा और कम्युनिटी में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आप प्लेयर ढूंढ पाओ। तो ये हो गया भाई, आप ऐसे ही ढूंढ सकते हो, बहुत सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, ढूंढो, उनके साथ खेलो, उनके साथ टाइम बिताओ, उनसे एक तरह से या कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा बैठा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी टीम बनाने के लिए। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना प्लेयर को हटा सकते हो भाई। अगर आप टीम बना रहे हो या टीम ढूंढ रहे हो तो आप टीम भी ढूंढ सकते हो, ऐसे कर सकते हो। डिस्कॉर्ड्स पे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ढूंढ लो। तो ये कहानी हो गई भाई आपकी ई स्पोर्ट्स टीम बनाने की, कि आप यहाँ से ऐसे घुस के किसी भी डिस्कॉर्ड सर्वर से जाके टीम बना सकते हो। अब आता है भाई एज का क्राइटेरिया और अपना डिवाइस का क्राइटेरिया। सबसे पहली बात जब हम लोग बात करते हैं डिवाइस की, डिवाइस क्राइटेरिया में गाइस सबसे बड़ी चीज़ एमुलेटर, तो बिल्कुल मतलब लात मार के भगा दिया, सबसे पहली डिमांड होती है कि एमुलेटर्स को बैन कर दिया जाएगा। आईपैड किसी किसी टूर्नामेंट में अलाउ होता है, किसी किसी टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में नहीं होता, मोस्टली में यार मोबाइल अलाउ होता है, किसी किसी में भी आईपैड हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। प्राइवेट टूर्नामेंट्स में यार सब कुछ अलाउ होता है, एमुलेटर्स जो game.tv कराते हैं उनमें तो सब कुछ अलाउ होता है, बट मोस्टली यार आप प्रेफर करोगे मोबाइल पे खेलोगे, क्योंकि ऑफिशियल जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें केवल मोबाइल पे होता है, आईपैड पे नहीं होता। अगर आप अदर टूर्नामेंट फॉलो करते हो तो अभी जब हुआ था पबजी मोबाइल का स्टार चैलेंज, तो उसमें हाइड्रा जो हाइड्रा डायनेमो की टीम है उसकी टीम से हाइड्रा ब्लास्टी खेला था, तो स्टार चैलेंज में उसको यार एक्सेस था कि आप आईपैड से खेलते हो। तो किसी किसी टूर्नामेंट में होता है कि वो गेम टू गेम डिपेंड करता है कि भाई वो आईपैड पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर गेम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी टूर्नामेंट में कर देते हैं एग्री या किसी टूर्नामेंट में नहीं करते, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मगर आपका मेन फोकस आपका मोबाइल पे होना चाहिए, आप मोबाइल से ही खेलो, वो ज़्यादा बेटर है, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, आपको कहीं वो नौटंकी नहीं देखनी पड़ेगी। और मोस्टली यार एंड्रॉयड पर ट्राई करो, क्योंकि आईफोन भी यार हर जगह नहीं अलाउ होता है। अगर आप लैंड वैंड में जाओगे, अगर वो लोग डिवाइस नहीं देते तो आपको एंड्रॉयड पे ही खेलना पड़ेगा। एंड्रॉयड की सेंसिटिविटी और एक आईफोन की सेंसिटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है भाई। तो ठीक है, तो मोस्टली एंड्रॉयड ही अलाउ होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये डिवाइस का बात हो गई, आपको डिवाइस के बारे में मैंने समझा दिया। अब आता है गाइस एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में गाइस टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट डिपेंड करता है या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी एज क्राइटेरिया रखना चाहते हैं। मोस्टली यार जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं, उनमें मिनिमम एज 16 मांगी जाती है, 16 एज मांगी जाती है, और आपके पास जो लीगल आपका जहाँ रेजिडेंशियल का मतलब जहाँ आप रहते हो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, कुछ राशन कार्ड में नाम हो, किसी लीगल प्रूफ होना चाहिए, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है कि आपको मिनिमम एज 16 होती है, 16 से ऊपर मोस्टली यही होती है, किसी किसी टूर्नामेंट 14-13 भी हो जाती है कभी कभार, बट मोस्टली 16 ही होती है, 16 से नीचे नहीं होती है, मोस्टली 80% टूर्नामेंट में 16 ही होती है। अब 20% का वो पता नहीं भाई, वो मेरे को नहीं पता। और अगर अदर टूर्नामेंट्स भी आप देखते हो, किसी किसी टूर्नामेंट में होती है, किसी किसी टूर्नामेंट में नहीं होती है, तो वो आपका डिपेंड करता है। तो गाइस एक और चीज़ आती है इसमें यार, एक बोनस टिप आपको और मैं देता हूँ कि इसमें एक टाइप ऑफ स्क्वाड भी बताऊँगा मैं। 2-3 तरह की स्क्वाडें होती हैं, एक होती है जो फुल एग्रेसिव होती है, फुल्ली एग्रेसिव टीम होती है, उस टीमों के साथ क्या होता है, वो हर जगह होती है, मतलब वो रश कर नहीं, उसको पूरे टूर्नामेंट में रश खेलना है, तो वो एक एग्रेसिव साइड पे हो गई टीम, तो जो कोई काफ़ी ख़राब होता है, कई कई सिनेरियो में काफ़ी अच्छा होता है, कई कई सिनेरियो में बहुत ख़राब होता है। और एक होती है मतलब जो पोजीशन ओरिएंटेड खेलती है। अब पोजीशन ओरिएंटेड स्क्वाड क्या है, वो तो बिल्कुल कैंपर, बिल्कुल अथाह कैंपर वाली टीमें होती हैं, उनको भी बाद में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर जोन हार्ड शिफ्ट मारता है तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो इतने एक्सेस नहीं होते, उनको बाद में गेट कीप होते हैं। अगर इस टॉपिक के मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बता दूँगा, मैं अभी आपको छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसी टीम स्क्वाडें होती हैं, कैसा क्या सिनेरियो होता है। अब आपकी जो तीसरी तरह की स्क्वाड होती है, कंट्रोल एग्रेसिव स्क्वाड, इसको क्या मतलब, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बला है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंट्रोल एग्रेसिव मतलब उसको स्क्वाड को पता है कि कब हमको एग्रेसिव होना है, कब हमको बिल्कुल पैसिव खेलना है, मतलब कब पोजीशन ओरिएंटेड खेलना है और कब हमें एग्रेसिव गेम खेलना है, वो अपने टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खेलती है। अब जो ये चीज़ होती है, ये स्क्वाड होती है, सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कब क्या करना है, और ये आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी वीडियो का लिंक है आप देख सकते हो, और बाकी जो वीडियो आपको देखनी है टूर्नामेंट से रिलेटेड, इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हो वीडियो मैं बनाऊँ ये
स्क्वाड्स के टाइप ऑफ स्क्वाड के बारे में और उनके प्लेयर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके कि यार मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। तो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार, ज़्यादा कहानी नहीं बढ़ाएंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बस यार इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर करना और लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।